नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भट न्यूज फॉर नालंदा से है। नालंदा के परबलपुर प्रखंड में राजद पार्टी कार्यालय में राजद किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज यादव की अगुवाई में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी राजद नेताओं ने स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह के तैलीय चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन धारण किया। वहीं इस मौके पर राजद नेता मनोज यादव ने क्या कुछ कहा, देखें इस रिपोर्ट में। साथ सभी यहाँ सुखी होवे, सभी स्वस्थ निरोग हो, ना किसी का कोई दुख हो, सभी मंगलता पावे, यह उनकी महामंत्र था। और इसी महामंत्र पर जो है झुग्गी झोपड़ियों में जा जाकर गरीब गुरबा महादलितों को जगाने का काम किए और एक महान प्रणेता के रूप में उभर कर गरीब गुरबा का जो है जनहित का कार्य करने का काम किया। आज हम सभी लोग RJD परिवार उनके पद चिन्हों पर चलने का आज महासंकल्प लिए हैं और इसी पर हम लोग उन्हें जो है कोटि कोटि सहस्त्र कोटि नमन भी करता हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम आचार्य। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रघुवंश प्रसाद बाबू का आकस्मिक निधन पे हम लोग बहुत मर्माहत हैं और पूरे बिहार नहीं पूरे देश मर्माहत है। आज हम उनकी चित्र पर पुष्प माला अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और उन्हें कोटि कोटि प्रणाम किए हैं। और रघुवंश बाबू जैसे एक समाजवादी और एक कदावर नेता थे, जो कि उनको बिहार नहीं पूरे देश जानते थे और मनरेगा मैन से भी जाने जाते थे, क्योंकि उन्होंने जो गरीब और मजदूर किसानों का जो रोजगार देने का काम किए थे वह रघुवंश बाबू का ही देन था, इसलिए उनको मनरेगा मैन से भी जाने जाते हैं।